पे मैं पढ़ा भी हूँ 4 साल, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो 7000 किलोमीटर आने के सॉरी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग, और आई होप कि मौज में होंगे आप लोग। मोहन भाई, आजा चल स्कूल घूम के आते हैं। देख, मैं तुझे एक बार और समझा दे रहा हूँ, मेरे आगे आज से स्कूल का नाम मत ले दियो। मेरे अंदर का स्टूडेंट मर चुका है। वैसे भी अब मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है किस चीज की? भट्टे पे जाता हूँ सलीम भाई के। तू भी आ रहा हो तो आजा, 300 रुपए रोज के देते हैं और चाय मट्ठी अलग से। भाई मुझे नहीं जाना, मैं तो जा रहा हूँ स्कूल ब्लॉगिंग करने। तू भी चल रहा हो तो चल घूम के आते हैं। बे तू जाना या लोग बलोक बना अपना, इतना समय नहीं है मेरे पास, अभी मुझे शाम को भट्टे पे जाना है। चल तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर, हाँ बाय। तो हे धरती के लोगों, आज हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हर एक इंसान जाता है। वो अलग बात है, कोई कोई नहीं जाता है, कोई मम्मी की मार खा के जाता है तो कोई प्यार से चला जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, तो कोई कोई मेरी तरह हेलीकॉप्टर से जाता है। हाँ, गर्मियों में कोई नहा के जाता है, कोई ठंडियों में बिना नहाए धोए जाता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल की। आज हम चल रहे हैं अपने स्कूल हनुमत इंटर कॉलेज, धम्मौर सुल्तानपुर का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल। तो लेट्स गो। तो मेरे पास लाइसेंस है और ना ही हेलमेट है। मैं सोच रहा था कहीं चलान ना कट जाए पुलिस से, पर मैंने देखा मैं तो साइकिल से हूँ, और पुलिस वाले देखो पीछे ही जा रहे हैं, तो बच गया भैया बाल बाल में। दोस्तों, मैं 7000 किलोमीटर चलने के बाद 7 किलोमीटर चलने के बाद मैं स्कूल पहुंच तो गया, पर बड़ा दुखद समाचार ये है, ताला लग रखा है भाई। तो जब तक आप मेरा स्कूल बाहर से ही देख लो, ये वहाँ तक और फिर ये इधर से यहाँ तक। जाने को तो मैं चला जाऊँ अभी कूद सूद के उधर खिड़कियों से, पर मैं जाऊँगा नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है ये ब्लॉग मेरे सर जी देखते हों। तो पूरी मेहनत बेकार हो चुकी है। मैं आपको अंदर से स्कूल नहीं दिखा सकता, क्योंकि यार ताला बंद है, और ये पहली बार हुआ है कि स्कूल में यार ताला लग रखा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना, नहीं तो खुला ही रहता था, आ जा सकता था कोई भी, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है। बड़ा दुख हो रहा है कि स्कूल बंद है, अब कर भी क्या सकता हूँ, अब लौटना पड़ेगा मुझे यहाँ से घर दोबारा। किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगा मैं आपको अपना अंदर से स्कूल। ओ दुनिया दीवानी बली है। तो साथियों, मैं आपको अंदर स्कूल तो नहीं दिखा पाया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस स्कूल में, तो मैं बता दूँ, यही एक ऐसा स्कूल है, यहाँ पर मैं पढ़ा भी हूँ 4 साल, और यही पूरे सुल्तानपुर भर में यही एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपको NCC, स्काउट, हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। और सुल्तानपुर भर में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे NCC भी हो, स्काउट भी हो, और हर एक सब्जेक्ट हो। तो इसलिए हनुमत इंटर कॉलेज मेरा कॉलेज सबसे बेस्ट। तो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया होगा इस ब्लॉग में, फिर भी अब इसे मैं अपलोड कर दूँगा, किसी और ब्लॉग में दिखा दूँगा मैं आपको अंदर का भी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, लव यू। याद में कोई बनाए रे हसी ताज महल, याद में कोई लिखे शामो शहर शोक गजल, दिल के दरिये में खिलता है ख्वाबों का कमल। याद आते हैं जो सारे बीते हुए पल। तू